لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम दैलमी मुस्नदुल फिरदौस में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत नकल करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर कसरत से दुरूद भेजो। أكثروا صلاة علي فإن الله تعالى وكل لي ملكا عند قبري कि बेशक अल्लाह ताला ने मेरी कब्र अनवर पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया है। बस जब कोई मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है फ़ैदा सल्ला अलैया रजुल मिन उम्मती मेरी उम्मत में से जो शख्स मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो वो फरिश्ता उसी वक्त मुझे अर्ज करता है या रसूल अल्लाह फला बिन फला ने अभी इसी घड़ी आप पर दुरूद शरीफ अर्ज किया है। अल्लाहु अकबर, यानी यहां तुम दुरूद पढ़ते हो वहां पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह, ये है नूरी ट्रांसमिशन। ये आपको हयातुल अमवात एक किताब है उसके सफा नंबर 21 पर भी मिल जाएगी। वैसे तो इमाम दैलमी इसको मुस्नदुल फिरदौस में रिवायत करते हैं। अच्छा, इमाम बुखारी ने अपनी किताब तारीख में, इमाम बुखारी की भी एक किताब है तारीख, जैसे इमाम बुखारी की सही इमाम बुखारी है, इसी तरह और कुतुब हदीस इमाम बुखारी ने लिखी है, इसी तरह इमाम बुखारी ने तारीख की भी एक किताब लिखी, हिस्ट्री जिसको आप बोलते हैं ना, तारीख में। और इनके अलावा इमाम तबरानी ने और उकैली ने और इब्ने नज्जार ने और इब्ने असाकिर ने, अबू कासिम अस्बहानी ने अम्मार इब्ने यासिर की एक रिवायत नकल की है। वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते सुना, समितु, मैंने सुना। क्या फरमा रहे थे मेरे पाक नबी? कि बेशक अल्लाह ताला का एक फरिश्ता है जिसे अल्लाह करीम ने तमाम जहान की बात सुन लेने की कुव्वत अता की है, वो क़यामत तक मेरी कब्र पर हाजिर है। जो भी मुझ पर दुरूद शरीफ अर्ज करता है ये फरिश्ता उसी वक्त मुझ पर अर्ज करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, अल्लामा ज़ुरक़ानी शरह मवाहिब में और अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी शरह जामिअ सगीर में आताहु अस्माउल खलाइक की शरह में यूं फरमाते हैं कि यानी अल्लाह ताला ने इस फरिश्ते को ऐसी कुव्वत अता की है, यानी ये जो शरह है ना इस हदीस की, इसकी शरह कहते हैं डिटेल को, उसकी तशरीह करना, तो उसकी शरह में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस फरिश्ते को ऐसी कुव्वत अता की है कि इंसान और जिन और इनके अलावा तमाम मखलूक इलाही की जबान से जो कुछ निकलता है इसे सब सुनने की ताकत है, ख्वाब किसी भी जगह पर ही आवाज़ निकले। अल्लाहु अकबर, तुम आहिस्ता पढ़ो, जोर से पढ़ो। अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते को कुव्वत दी है कि वो कुव्वत समा है कि वो हर दुरूद को कहीं पर भी हो, किसी आवाज़ में भी हो, सुनता है और उसी वक्त पहुँचा देता है। सुभान अल्लाह। तो हर उम्मती के दुरूद पाक का हदिया बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया जाता है, और यह हदिया पेश करने वाले फरिश्ते के अलावा भी अल्लाह के फरिश्ते हैं जिनकी ड्यूटी ये है कि वो पूरे रूए ज़मीन पर घूमते हैं, और जब भी कोई उम्मती हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज़ करता है तो वो फ़ौरन इसका सलाम बारगाह रिसालत में अर्ज़ करते हैं। और यह सियाह सित्ता की किताब निसाई शरीफ में मौजूद है, हदीस शरीफ आती है निसाई शरीफ में जिल्द नंबर 1 सफ़ा 393 पर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो ज़मीन में घूमते रहते हैं, उनका और कोई काम नहीं है सिवाय इस एक काम के, वो ज़मीन में घूमते रहते हैं और क्या करते रहते हैं, और मुझे मेरी उम्मत का सलाम पहुँचाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो पहले जो हदीस आई उसमें दुरूद का जिक्र था, वो ख़ास फरिश्ता है जो दुरूद सुनता है और पहुँचा देता है कि या रसूल अल्लाह फला बिन फला ने आप पर दुरूद पढ़ा है, जहाँ दुरूद निकला वहाँ पहुँच गया। और ये जो मलाइका घूमते रहते हैं इनका क्या काम है? वो ये उम्मत का सलाम पहुँचाते हैं। सुभान अल्लाह। तो उम्मत के सलाम पहुँचाने का अलग इंतज़ाम है और दुरूद पहुँचाने का अलग इंतज़ाम है। दुरूद पहुँचाने के लिए फरिश्ता वहीं है, सुनता है और फ़ौरन,
और सलाम इकट्ठा करके वो फौरन पहुंचा देते। तो आप सोचे कितने मलाइका होंगे जिनका काम सिर्फ सलाम इकट्ठे पहुंचाना है, और नूरी मखलूक है। यानी मेरे रब की तरफ से अपने हबीब के लिए आप इंतजाम देखें ना, सुभान अल्लाह। बंदा ये इंतजाम पढ़ के ही कहता है सुभान अल्लाह, हमारी अकलों से मावरा इंतजाम है। बस हम यही कह सकते हैं कि ऐ हमारे रब, तेरी शान, तू जो चाहे कर दे, और अपने हबीब के लिए तो तेरा खास इंतजाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वरफ़ाना लका ज़िक्रक। मेरे प्यारे नबी, आपकी खातिर आपका जिक्र हमने बुलंद कर दिया। आए हाय, आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद कर दिया, और इतना बुलंद कर दिया कि मखलूक में इतना जिक्र किसी का है ही नहीं, और इस तरह का इंतजाम भी किसी के लिए नहीं है। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم।